हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मु आपन मानको मो चैनल को आउ थरे बहुत बहुत वेलकम करूची। फ्रेंड्स, विंटर रे भी आमे केमती डिफरेंट डिफरेंट सब फेस मास्क प्रिपेयर करबा और निजे फेस रे अप्लाई करबा सो दैट आम स्किन नॉर्मल डेज भले मध्यम बहुत ग्लो करबो। आज मु आपन संगे रे सातटी अलग-अलग डिफरेंट फेस मास्क शेयर करची। चैनल तो देखियो तालम केमती सब बनोची। पाउच कॉफी मु गोटे नउची, कॉफी गोटे चम्मच नउची, एथि मु गोटे चम्मच ऑलिव ऑयल ऐड करूची। आपन ऑलिव ऑयल संगे आलमंड ऑयल भी ऐड कर परबी ता जगह रे, त तार मिक्स करिकि मु फेस रे अप्लाई करूची। आपन एमते अप्लाई करिवे ऑलिव ऑयल ता हम स्किन रे रिंकल्स विंकल्स जाथाय ताकु सब रिकवर करिया पे हेल्प करे, आ कॉफी भी गोटे इंटरनल ग्लो करे। तो ए मिक्सर ता कु मु मोहर अप्लाई करिवा। एथिरे मु ऑयल एथि पे नेची जे विंटर रे आम स्किन टिके मॉइश्चराइजिंग कम थाए तो टिके ऑयल दरकार भी आम फेस पे, तो कॉफी संगे रे याको मिक्स कर लगे रे बहुत मॉइश्चराइज भी हबो आउ आम स्किन टा ग्लो हबारे भी हेल्प करबो। आउ जेंती कि मोटा जो क्रैक हो जाए से सब टिके रे दूर हो पारिबो भल काम दबो। याको अप्लाई कर कला परे ताको एंती 5 रु 10 मिनट रखिबे आ तापर हम फेस को वाश करना। मु एठी 8 मिनट रखि छी आ तापर वाश करना छी। ताले देखन तो वाश कला परे स्किन रो स्किन टोन टिके पर बहुत केते चेंजेस आसला। गोटे चम्मच महु मुझे नहीं गोटे चम्मच क्षीर आड करुच्ची। क्षीर आम स्किन न्यूट्रिएंट्स दे थाए, शीत दिन क्षीर आम मुँह अप्लाई करा बहुत जरूरी। तो महु और क्षीर मास्क को आम फेस आराम से अप्लाई कर पारा, ये बहुत इजी बहुत कम टाइम आम अप्लाई चिपचिप ये सब लगे। देखो मुझे अप्लाई कर 10 मिनट पर फेस को वाश कर देखो स्किन चेंजेस। ये मुझे गोटे चम्मच चावल पाउडर नहीं कॉफी 1/4 स्पून ऐड करके मिल्क क्रीम मुझे ऐड करुच्ची। मास्क को मुझे आगुरी भी आपको देखी सारी बट जेहेतु विंटर मास्क सबगुड़ा मास्क देखा था तो यहाँ मुझे ऐड करनी तो आपति प्रिपेयर करेंगे। आपड़ मिल्क क्रीम जगह आप क्षीर सर नहीं पारे जोटा कि मॉइश्चराइज आम फेस को हेल्प कर। ये मुझे लेंबू गोटे फाड़ नहीं गोटे स्पून चीनी ऐड कर लेंबू आ चीटा आम स्किन ग्लिसेरिन परिका कम कर स्पेशली विंटर पर तो लेंबू आ चीनी मास्क को आराम से अप्लाई करेंगे। यहाँ को आप मैंने हाथ में भी आप आराम से अप्लाई करेंगे बट फेस को आप अप्लाई कर बहुत भले ग्लो करेंगे बट बहुत कम टाइम पर फेस रखिए नहले यहाँ आम स्किन को जो लेमन रे जो साइट्रिक एसिड था आम फेस को स्किन को हैम्पर कर तो बहुत कम समय आप अप्लाई करेंगे। स्किन पर फेस को वाश कर देखते आप डिफरेंस। बेसन ये मुझे गोटे चम्मच नौचे मुझे गोटे चम्मच दही ऐड कर गोटे पिंच हलदी ऐड कर बेसन हलदी आम नॉर्मली स्किन कर मास्क ये दही ऐड करवा ये आम स्किन गोटे बहुत इनस्टांट ग्लो नहीं फ्रेंड्स एक निश्चित भाव आराम से अप्लाई कर। टमाटो गोटे फाड़ नहीं चीनी को एमती पाउडर कर रखी चीनीर चीनीटा पुआ भितर एमती रखिकी फेस अप्लाई करवा। चीनी आप खाली चीनी भी नहीं पारे पाउडर न करके भी तो आप अप्लाई करेंगे। टमाटो सब टाइम आम स्किन रे ग्लो नहीं विंटर हो कि जहाँ हो तो आपको एमती आराम से फेस अप्लाई करेंगे। आउ चीनी जो जमी कि आगर कहली चीनीटा विंटर पर गोटे ग्लिसरीन टाइप रुथे आम सब एड करूज करम स्किन टोन रे तो एमती भाव में आप भलेसे अप्लाई करेंगे। दुई तीन मिनट भितर आपको आराम से अप्लाई करेंगे और यहाँ को आप बहुत इजी रे भी अप्लाई करेंगे आप बहुत टाइम लगभग तो यहाँ एमती भाव अप्लाई करवा। आउ 7-8 मिनट फेस रे रखला फेस को वाश कर नवा आउ बेकर भी टिके हल्का से अप्लाई करवा वाश कर नवा। ये
এটি দেখন্তু এই মাস্কটা বহুত ভালো ইয়া পাই মন এইচি মসুর ডালি কো আপন এন্তি গ্রাইন্ডিং করিন পাউডার করে নেবে সে পাউডার কো আমি নব্বা গটি চামচ মসুর ডালির পাউডার কো নেইচি সমস্ত নরমালি জানি যে মসুর ডালি পাউডারটা আমি স্ক্রাবিং পাই ফেস রে ইউজ করু তো মসুর ডালি গটি চামচ মু নেইচি এতিরে গটি চামচ হাফ চামচ অধিক বা গটি চামচ କ୍ଷୀରର ସର ମୁଁ ନେଇଛି ଏଥିରେ କ୍ଷୀରର ସରକୁ ନେଇକରି ଆମେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବା ହାଲକା ଟିକେ ପାଣିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବା ଦେନ୍ ଏଇ ମିକ୍ସରକୁ ଆମେ ଆମ ଫେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଏଇଟା ଏଇ ମାସ୍କଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବେସନ ହଳଦୀ ମାସ୍କ ପରିକା ଏଇ ମାସ୍କଟା ବି ଆମ ସ୍କିନ୍ରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗ୍ଲୋ ଆଣେ ବହୁତ ଡିପ୍ ଗ୍ଲୋ ଆଣେ ବେସନ ହଳଦୀ ଯେମିତି ସବୁ ମାସ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ମାସ୍କ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଯଦି ଆକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କିନ୍ କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ସେ ଗ୍ଲୋ ହେଲା ଉପାୟରେ ଆପଣ ଏଇ ସାତଟିରୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି 4-5ଟା ମାସ୍କ ଆରାମସେ ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ କେତେ ୱଣ୍ଡରଫୁଲି ଗ୍ଲୋ କରୁଛି ୱିଣ୍ଟର୍ରେ ବି ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ଼୍ରେ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ଗୁଡ଼୍ ବାଏ ଆଣ୍ଡ ନମସ୍କାର।